भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को झालावाड़ पहुंचकर हाड़ौती से दुष्यंत सिंह के समर्थन में लोकसभा चुनाव का शक्तदान करते हुए हजारों लोगों को संबोधित किया। नड्डा 2:20 पर झालावाड़ प्रवीण शर्मा क्रिकेट ग्राउंड सभा स्थल पर पहुंचे। लगभग 3 बजे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने अपना संबोधन शुरू किया और लगभग 25 मिनट तक जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते हुए सरकार की उपलब्धि बताई। नड्डा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज अर्थव्यवस्था में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत ने उस इंग्लैंड और ब्रिटेन को पछाड़ा है जिसने भारत पर 200 साल राज किया था। निर्यात में हम आज 4th से 2nd नंबर पर आए हैं। वहीं ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्र में जापान को पीछे छोड़कर 3rd नंबर पर आ गए हैं। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव के समय राजनीतिक दृष्टि से कई तरह की चर्चाएं होती है, लेकिन ये आपको तय करना पड़ता है कि आप किस तरह से अपने मत का प्रयोग करते हुए अपना योगदान देश के विकास को आगे बढ़ाने में दे रहे हैं। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धि बताते हुए कहा कि सरकार द्वारा 80 करोड़ जनता को गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूँ चावल दाल दी जा रही है, जिसके चलते देश की 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं। 4 करोड़ लोगों को पक्के घर मिले हैं। राजस्थान में भी लगभग 20 लाख लोगों के सपने पूरे हुए हैं। नड्डा ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जहां कांग्रेस राज में बिजली नहीं थी, वहां 2014 के बाद हमारी सरकार बनने के बाद 18,000 गांवों को बिजली पहुंचाई। आज 3.5 लाख गाँव पक्की सड़कों से जुड़े हुए हैं। गाँव में स्वच्छता अभियान के तहत 12 करोड़ शौचालय बने हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत के लोगों की महत्वाकांक्षा है कि भारत में एक भ्रष्टाचार मुक्त और विकास युक्त सरकार हो। आज हर तरफ चौड़ी और चमचमाती हुई सड़कें हैं। आपके जिले में भी नेशनल हाईवे हैं। झालावाड़ से भोपाल तक सीधी रेलवे लाइन लगभग तैयार होने को है। यहाँ एयरपोर्ट व हाईवे निकल रहे हैं। इस तरह के काम ही बताते हैं कि आज बदलते भारत का स्वरूप कैसा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार भाजपा की 400 पार सीट आएगी। राजे ने अपने संबोधन में कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने झालावाड़ और बारा जिले में दुर्भावना से काम किया। पूर्व मंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने जिन जिन लोगों को मंत्री बनाया, उन्हीं लोगों ने जनता का भला नहीं करते हुए खुद का ही पेट भरा। भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री के विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि झालावाड़ बारा लोकसभा के हर परिवार से मेरा दिल का रिश्ता है। ये चुनाव में अकेला नहीं लड़ रहा, मेरा पूरा परिवार लड़ रहा है। कार्यक्रम में पूर्व RPSC चेयरमैन श्याम सुंदर शर्मा, विधायक गोविंद रानीपुरिया, कालू मेघवाल, कांवर लाल मीणा, प्रताप सिंह सिंघवी, ललित मीणा, राधेश्याम बेरवा, पूर्व विधायक नरेंद्र नागर, जिला प्रमुख प्रेम बाई डांगी, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय जैन ताऊ, बारा जिला अध्यक्ष नंदलाल सुमन मंच पर मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रॉयल पत्रिका।